ऐसे समय जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में खाद्य संकट हो गया है और खासकर गेहूं की किल्लत बढ़ गई है, तुर्की ने भारत से भेजा गया लगभग 87,000 टन गेहूं वापस कर दिया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर की वेबसाइट S&P ग्लोबल कमोडिटीज के अनुसार तुर्की ने फाइटोसैनिटरी यानी पेड़ पौधों को होने वाली बीमारी का हवाला दिया और कहा कि भारत से भेजे गए गेहूं रूबेला वायरस से ग्रस्त हैं। याद दिला दें कि पहले भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सरकार ने कहा था कि निर्णय लेने के पहले जो आयात ऑर्डर मिल चुके हैं उन्हें निर्यात किया जा सकता है। इसके तहत ही भारत ने 87,877 टन गेहूं से लदा जहाज तुर्की भेजा, जो उसके भूमध्य सागर स्थित इस्केंदरेन बंदरगाह 29 मई को पहुंच गया। S&P ग्लोबल कमोडिटीज के अनुसार तुर्की के व्यापारियों ने यह कहकर गेहूं लेने से इनकार कर दिया कि उसमें रूबेला वायरस है। वो जहाज भारत के लिए चल चुका है और समझा जाता है कि अगले हफ्ते तक कांडला बंदरगाह पहुंच जाएगा। पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत के गेहूं को वापस करने के पीछे कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा एक बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल भारतीय कंपनी ITC लिमिटेड ने ये गेहूं भेजा था, लेकिन उसने इसे तुर्की की कंपनी को सीधे नहीं भेजा था। ITC ने यह गेहूं एक डच कंपनी को भेजा था और उस डच कंपनी ने तुर्की की कंपनी को भेजा था। मुमकिन है कि उस डच कंपनी या ITC से तुर्की की कंपनी की कोई प्रतिस्पर्धा हो। इसके अलावा गेहूं वापस करने के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद तुर्की ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना की थी। इससे नाराज भारत ने तुर्की को नौसेना के लिए युद्धपोत यानी वॉरशिप बनाने का जो ऑर्डर दे रखा था उसे रद्द कर दिया। इससे इस्तांबुल भारत से नाराज हो गया। बता दें कि यूक्रेन और रूस कुल गेहूं निर्यात का लगभग 35% निर्यात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये तो गेहूं निर्यात नहीं ही कर रहे हैं, युद्ध के कारण सप्लाई लाइन छिन्न भिन्न हो गई है। ऐसे में बहाना बनाकर गेहूं नहीं लेने से तुर्की के लिए खाद्य संकट पैदा हो सकता है। जहां तक भारत की बात है, इसने तो निर्यात पर पहले ही रोक लगा दी थी।